हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज नंबर 10.2 का। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है हमें। एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। हमारे पास एक वृत्त यानी कि सर्किल दिया गया है हमें, और इसके चारों ओर AB, BC, CD और डीए भुजा का एक हमें वृत्त दे रखा है। ये इसके स्पर्श बिंदु है P Q R S। तो हमें प्रूव करना है AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रमेय नंबर 10.2 से, प्रमेय 10.2 से हमें पता है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्शिया खींची जा सकती है, और दोनों स्पर्शिया आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यदि किसी भी छात्र ने, किसी भी बच्चे ने 10.2 पर में ना देखी हो, तो मैंने शुरुआती वीडियो में इसको समझाया डिटेल में, कृपया उस वीडियो को जरूर देखें, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। यानी कि किसी भी बाह्य बिंदु से यदि हम वृत्त पर स्पर्शिया खींचते हैं तो वो दोनों आपस में बराबर होती है। यहाँ ये बाह्य बिंदु है, इससे हमने स्पर्शिया खींच रखी है। ए भी एक बाह्य बिंदु है, सी डी भी एक बाह्य बिंदु है और सी भी एक बाह्य बिंदु है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिया आपस में बराबर होती है। तो प्रमेय नंबर 10.2 से हम करेंगे, बिंदु ए से यदि मैं बिंदु ए से बात करूं तो क्या हो जाएगा, एपी इज इक्वल टू एएस। इसको नाम दे लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे लेंगे। इसी तरीके से बिंदु बी से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू। इसको नाम देंगे हम समीकरण नंबर 2। इसी तरीके से बिंदु सी से हम करेंगे, बिंदु बी से फिर हम सी से करेंगे, बिंदु सी से ये क्या हो जाएगा आपका, सी क्यू इज इक्वल टू सी आर, समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से हम बिंदु डी से करेंगे, बिंदु डी से डी आर इज इक्वल टू डी एस, समीकरण नंबर 4। अब हमें करना क्या है, इन चारों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। चारों समीकरण को जोड़ने पर यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, चारों समीकरणों को यदि हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे करते हैं एपी प्लस बीपी प्लस सी क्यू, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी और राइट हैंड साइड में जुड़ेगी। ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस डी एस। अब हमें देखना है, हमें ये प्रूव करना है एबी प्लस सीडी। यहां से हम देखते हैं एपी प्लस बीपी, इन दोनों के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, एपी प्लस बीपी, एपी प्लस बीपी को हम क्या लिख सकते हैं, इकट्ठा एबी प्लस सी क्यू। हमें आगे प्रूव करना है सीडी, यानी कि ये हमें यहां पे दे रखा है डीआर प्लस हमें चाहिए क्या, आर सी, यानी कि सी आर यदि हमें मिल जाएगा, हमें पता है सी क्यू, यहां से सी क्यू किसके इक्वल है, सी आर के। तो हम सी क्यू की जगह, इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, सी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस, हमें प्रूव करना है एडी, यानी कि हमें ये प्रूव करना है ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एडी प्लस। अब हमारे पास बी क्यू और सी आर बचा, यानी कि बी क्यू और हमारे पास बी क्यू बचा है और हमारे पास क्या बचा है, सी आर। सी आर किसके इक्वल है, यहां से हम देखेंगे सी आर किसके इक्वल है, सी क्यू के, यानी कि सी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी क्यू, और प्लस बी क्यू हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम इनको इकट्ठा करके लिख देंगे, यहां से हमने इसकी जगह क्या लिखा है, ये प्रूफ लिखा है, और बी क्यू हमारे पास ऑलरेडी था, सी आर की जगह हमने ये लिखा है। अब हम ए बी हमारे पास है सी आर प्लस डी आर, यानी कि सी आर प्लस डी आर, इसको इकट्ठा क्या लिखेंगे हम, सी डी, यानी कि ए बी प्लस सी डी
इक्वल AD हमारे पास ऑलरेडी है प्लस CQ, यानी कि CQ प्लस BQ, CQ प्लस BQ को हम क्या लिख लेंगे BC, यही हमें आप प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।